जो अगर प्रोफेशनल वाइज बात की जाए, चिट चैट आपका शो भी बहुत ही पॉपुलर रहा प्रोफेशनल वाइज, हर एक चीज़ें अच्छी हो रही है। अब दबंग के लिए महाराष्ट्र में भी शूट किया जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है माहौल, इसके बारे में बताएं कुछ। पहले दबंग की शूटिंग जैसे कि आपको बताया चल रही है, वी आर इन अ वेरी लॉन्ग स्केड्यूल, हमारी ऑलमोस्ट 60% फिल्म खत्म होगी एंड वी आर राइट नाउ ऑल्सो शूटिंग फॉर द फिल्म। होपफुली बाय सेप्टेम्बर एंड वी वुड हैव रैप्ड अप द एंटायर शूटिंग ऑफ द फिल्म एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रिलीज इन दिसंबर एंड आई थिंक वी अनाउंस द डेट ऑल्सो। सो यस, एक्साइटेड, मज़ा आ रहा है, अच्छी बन रही है एंड लोगों के एक्सपेक्ट, मुझसे पूछा कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं फिल्म के बारे में, बोला अच्छी बात है क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशंस हैं तो दैट मीन्स लोग उम्मीद करते हैं और उनको पसंद है ये फ्रेंचाइज, उनको ये कैरेक्टर पसंद है, उनको ये मैंने बोला अगर नहीं होते एक्सपेक्टेशन तो थोड़ा सा मैटर ऐसा लगता है कि यार हम बना रहे हैं लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं। सो आई नो इट्स अ वेरी लव फ्रेंचाइज, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू चुलबुल पांडेज कैरेक्टर एंड सलमान खान एंड वी आर, हमसे जितना हो सक रहा है हम कर रहे हैं, वी आर मेकिंग एन एज गुड एज एंटरटेनर फिल्म दैट हमसे बन सकती है एंड हमने वी हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू गिव इट एवरीथिंग दैट द फिल्म रिक्वायर्स एंड वी आर क्वाइट हैप्पी विद द फिल्म एंड क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जब आएगी फिल्म लोगों को पसंद आएगी। जैसा कि हमने देखा है कि आपको हर एक मतलब एंकर हो, होस्ट हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर, हर एक तरफ से ऑडियंस ने कबूल किया है, कुछ कहना भी चाहते हैं साथ ही साथ, कुछ थैंक्स कहना चाहते हैं अपने फैंस को। लाइक आई सेड कि यू नो मेरे ऑलमोस्ट आई मेड माई डेब्यू 1996, कितने साल हो गए अगर आप जोड़ लो, 23 साल हो गए। आज 23 साल के बाद आज भी मैं अगर एज मुझे एक्टिंग के रोल्स मिल रहे हैं और काम मिल रहा है तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट दैट आई एम स्टिल वर्किंग। मैं तो वी सीन पीपल स्ट्रगल एंड वी सीन के यार 2-3 फिल्मों के बाद या कुछ सालों के बाद काम, गॉड हैज़ बिन काइंड, नॉट ओनली हैव आई मेड अ मार्क फॉर माई सेल्फ एज एन एक्टर, I established myself as a producer with Dabang, which is a once in a lifetime film that happens. Dabang 2 se mere direction ka career shuru hua, wo bhi ek milestone film ban gayi. Fir uske baad maine web series ki abhi naya hai, I want to do lots more on it and very interesting stuff on it. Wo Touchwood channel are very happy and it's done very well. Fir maine ek talk show kiya hai jisme ek alag hi mera jo ek logon ke sath jo logon ko jo impression hai jo screen ke upar hai ki Arbaaz slightly negative grey shaded character roles करता है तो वो एक अलग ही उनको एक aspect देखने मिला मेरा कि it's quite an affable guy, थोड़ा normal है, मस्ती मजाक कर लेता है, तो एक वो एक मुझे एक opportunity मिली वो that side of me to show that side of me. So yes, I am trying things, like right now I'm making a very, what I'm really excited about right now is my debut with Mohanlal sir, which I'm doing. मैं एक मलयालम फिल्म कर रहा हूँ, एक मेरे डेब्यू रहेगा मलयालम फिल्म में जो मोहनलाल सर के साथ है और उनके डायरेक्टर जो हैं वो सिद्दीक सर हैं, तो इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग एंड ऑफ दिस मंथ, सो थिंग्स आर हैपनिंग, दे आर लुकिंग अप एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस स्टेज एंड फेज ऑफ माई लाइफ। थोड़ा सा और बात सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने कुछ सेटअप पे कुछ देखा, काफ़ी खास लग रहा था, काफ़ी इस फिल्म के अंदर मैं अब अरबाज खान का ही कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। इसके फिल्म के अंदर एक ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो मेरे पास प्रोड्यूसर डायरेक्टर आए थे कि एक बॉलीवुड एक्टर की ज़रूरत थी और जो अब ही प्लेज हिमसेल्फ, सो दे सेड दैट यू आर प्लेइंग योर ओन सेल्फ इन द फिल्म। सो आई हर्ड द बेसिक आइडिया एंड आई हर्ड द थिंग, इट्स अ गेस्ट अपीयरेंस, इट्स जस्ट अ वेरी ब्रीफ रोल दैट इज़ देयर एट अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इन द फिल्म, जो प्रोटैगनिस्ट के साथ उसका जो इंटरेक्शन है, और वो मैं अरबाज खान हूँ, कहीं नज़दीक शूटिंग कर रहा हूँ, आ जाता हूँ मिलने, और एक छोटा सा सीक्वेंस होता है, तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट प्लेइंग लाइक अ रियल लाइफ एंड इन द सेम फिल्म प्लेइंग लाइक अ हीरो। या अरबाज जी, हमने देखा एक एक्शन सीन थोड़ा बहुत जो हमने देखा, तो वो ज़रा सीन के बारे में बताइए कि जो एक्शन सीन आप कर रहे हैं जी, क्या कुछ है वो? वेल, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा कैरेक्टर जो है वो आई प्ले अरबाज ओनली इन द फिल्म, एक बॉलीवुड एक्टर है और वो एक को कलीग से मिलने आता है और वहाँ पर कुछ ऐसा जो शूटिंग कर रही है, जो एक फिल्म की शूटिंग कर रही है और उस फिल्म के सेट के ऊपर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जहाँ मुझे एक रियल लाइफ में एक एक्टर हीरो प्ले करना पड़ता है और प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो आई एम प्लेइंग दैट कैरेक्टर। अगर बात की जाए फिल्म स्टोरी लाइन की, कंटेंट की, तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है अभी तक माना जा रहा है, जैसा कि काफ़ी बात नाम की वजह से, तो वो कितना इफेक्ट करता है आपके माइंड पर? मैं मुझे जब ये फिल्म ऑफर हुई थी तब ये आए मुझसे मिलने के लिए, कहीं ना कहीं मुझे
मैंने भी सवाल पूछा, मैंने बोला इस फिल्म का टाइटल जो है ये कहीं इस जो श्रीदेवी जी के साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उससे कुछ ताल्लुक रखता है? उन्होंने बोला उससे बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट इज़ देर इज़ नो रेलिवेंस टू दिस थिंग। और हमने ये फिल्म जो है यही टाइटल के साथ बहुत पहले रजिस्टर की थी, तो ऐसा उन्होंने मुझसे कहा कि ये ऐसा नहीं है कि हमने ये टाइटल भी चेंज कर दिया फिल्म का या कैरेक्टर का नाम चेंज किया, इस फिल्म की इसका टाइटल और इसका कैरेक्टर पहले से था। एंड विच दे टोल्ड मी दैट दे ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन, इट इज़ इट्स मच डन बिफोर। मैं इस फिल्म में ऑलमोस्ट 90% शूटिंग करने के बाद आया हूँ, क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही ब्रीफ कैरेक्टर है, तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द फिल्म इज शॉर्ट एंड आई कम इन टू दैट। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि इज़ देर एनी थिंग दैट कल को प्रेस अगर पूछेगी तो आपने क्या जवाब दिया? तो उन्होंने मुझे अपने पुराने इंटरव्यूज दिखाए और उन्होंने बोला कि हम वी एड्रेस दिस मैटर, हम पहले बात कर चुके हैं, हमने सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए हुए हैं, तो आप यू बी रेस्ट अश्योर्ड दैट जस्ट बिकॉज द टाइटल इज सिमिलर डज नॉट मीन दैट इट इज़ इन एनी वे को रिलेटेड टू द इंसिडेंट दैट हैज़ हैपेंड। सो आई गॉट सम अश्योरेंस, आई सॉ व्हाट आई वाज प्लेइंग माई सेल्फ, इट वॉज अ वेरी स्मॉल कमिटमेंट, इट कुड फिट इन टू माई स्कीम ऑफ थिंग्स एंड दैट्स द रीज़न वाई आई काइंड ऑफ एग्री टू डू द फिल्म। सो आई एम नॉट रियली थिंकिंग टू मच अबाउट इट, फॉर मी इट्स अ प्रोफेशनल जॉब एंड आई गॉट कन्विंस्ड on a level which pretty much I should be if they were giving me the reasons that they were giving me. That's it. Arbaaz, jaisa ki ye social media star hai, kya jo ek wing jo tha wo itna zyada popular ho gaya aur Priya ko logo ne pasand kiya hai sara, to kya stardom aa gaya hai? Matlab wapas thode bahut scene aapne unke sath shoot kiya hai, wo dikh raha hai, reflect ho raha hai? Maine itne purane itne zabardast career aapka raha hai. Yes, she is obviously, agar itni choti si cheez se agar log itna pasand kar sakte hain और इतनी पॉपुलैरिटी हो सकती है, तो ऑब्वियसली द गर्ल हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू डू मच मच मोर। एंड इनफैक्ट आई वाज हैविंग अ वर्ड विथ हर एंड आई सेड यू नो देर आर सर्टेन टाइम्स पीपल गेट वेरी रेयरली दिस काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स एंड अपॉर्चुनिटी एंड यू आर यंग, यू शुड यू नो टेक दिस अ लिटिल सीरियसली एंड वॉट एवर इट रिक्वायर्स फॉर यू टू वर्क एंड मेक इट बेटर एंड हार्डर यू शुड डू दैट। ओला यू नो आई वाज टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ, आई सेड यू नो लाइक आई फॉर मी time has passed by, maybe there were opportunities to work hard or not work hard, maybe right now I'm doing much more than what I did many years back, but don't grab the opportunity and work hard. If it means as an actor, you know, learning how to dance or to act, do workshops, improve the way you're looking, just do all of it, because this moment will not come back. So and I said, please don't mind me giving you this advice, because the first time I'm like working with you or meeting you. And she said she was more than happy, because obviously she considers me to be a senior actor, somebody with experience, so giving her that kind of like advice was working for her. So I said, yeah, I said so many things have happened effortless for you, but now you must need to also put in an effort so that you can continue with this, because this magical thing is not going to happen, stay forever. So and kaisa raha experience with Arbaaz Khan? Kuch thoda bahut humne shoot dekha, so how was experience with Arbaaz Khan? It's just the second day of shoot with him, so abhi we are all watching him do fight scenes, you know, so we are all very excited to, you know, share the screen with him. Yes. And iske alawa hum aapki hindi film mein bhi dekhenge, like Bollywood film mein bhi hum aapko dekhenge aise kaam karte hue, agar kuch project hai next kya kuch hai agar aapko share karna chahe. I've actually signed a second movie in Hindi which is called Love Hackers. So that's about cyber crime. So definitely agar acche projects aate hain to why not. Acche signature set step ki wajah se aap popular hui hai, abhi pata chala ki sab wo trend aap todna chahte the, kya aisa kuch hai? Definitely, kyunki that was for my first movie aur that move or that action definitely gave me a lot of publicity and some everybody liked it, but when it goes on repeating people will start, you know, why abhi bhi yehi kyun kar rahi hai. So I want to do more and prove myself as an actor. Thank you so much. Thank you. Thank you, Vida. Shots liya aap ko bata de aap kar diya. खींचो खाली थोड़ा सा खींचो थोड़ा सा खाली पूछ लो।
मतलब कुछ दबाओ मत खाली बाहर कुछ।